दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु के प्री मैच एनालिसिस में। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों इस वक्त जहां इंडिया मेंस वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पांचवा आखिरी T20 मैच खेलेगा, तो वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इंडियन वुमेन्स टीम ने धमाल मचा रखा है और इंग्लैंड के खिलाफ फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। और फाइनल मुकाबले में दोस्तों इंडिया वुमेन्स की भिड़ंत होगी ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम के साथ। वेल बता दें कि इंडिया ने अपना पहला मुकाबला जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेला था, जिसमें इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से इंडिया वुमेन टीम जो है वो अच्छी फॉर्म में खेलती नजर आई है। तो ऐसे में दोस्तों फाइनल मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि दोनों टीम्स के बीच में कांटे की टक्कर होगी। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम नजर डालेंगे इंडिया वुमेन्स वर्सेज ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के मैच प्रीव्यू पर। की प्लेयर्स की बात करेंगे, प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट का हाल भी आपको बताएंगे, साथ ही ये भी कि कौन जीतेगा ये फाइनल मुकाबला। तो दोस्तों ये मुकाबला एजबस्टन बिर्मिंघम में 7 अगस्त यानी कि आज रात को 9:30 बजे खेला जाएगा। यहाँ की पिच रिपोर्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर 14 मुकाबले अभी तक खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 7 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने भी 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। यानी कि ये पिच फर्स्ट बैटिंग में और सेकंड बैटिंग दोनों में ही बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दोनों टीम्स के दोस्तों हेड टू हेड पर नजर डाली जाए तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स क्रिकेट में अभी तक दोनों टीम्स के बीच में एक मुकाबला खेला गया है, जिसे ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम ने 3 विकेट से अपने नाम किया था। लेकिन दोस्तों अब चूंकि दोनों टीम्स फाइनल तक पहुंच चुकी हैं, तो फाइनल मुकाबला जो है वो दोनों ही टीम जीतना चाहेंगी। इंडिया वुमेन्स की टीम भी इस मुकाबले को अपने नाम करना चाहेगी, तो ऑस्ट्रेलिया टीम इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। ऐसे में इंडिया वुमेन्स की प्लेइंग 11 क्या कुछ हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया वुमेन्स की टीम से। तो ऐसे में कौन से वो प्लेयर्स होंगे जो कि भारी पड़ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया पर, तो दोस्तों इस लिस्ट में शामिल है शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा, हरमनप्रीत कौर, तानिया भाटिया, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकर, राधा यादव, स्नेहा राणा, मेघना सिंह और रेणुका सिंह। तो ये वो 11 खिलाड़ी हैं जो अब तक बहुत ही अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं और इंडियन वुमेन टीम ने कोई भी बदलाव इसमें अभी तक नहीं किए हैं और फाइनल मुकाबले में भी लगता है वो ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेंगे। तो ऐसे में अब जरा की प्लेयर्स पर भी नजर डाल लेते हैं कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जो अभी तक बाकी की टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते आए हैं और अच्छे रन और विकेट अपने नाम करते आए हैं। तो की प्लेयर्स की लिस्ट में दोस्तों सबसे पहले हम नाम शामिल करना चाहेंगे, तो दोस्तों स्मृति मंधाना ने 4 मुकाबले खेलते हुए 153 रन स्कोर किए हैं, वो भी 156.12 के स्ट्राइक रेट से। अगली बल्लेबाज है हमारी शेफाली वर्मा, जिन्होंने 4 मैचेस खेले हैं और 122 रन बनाए हैं, वो भी 143.53 के स्ट्राइक रेट से। बल्लेबाज दोस्तों हम की प्लेयर्स में शामिल करना चाहेंगे जेमिमा, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी थी इंग्लैंड के खिलाफ, और अगर सभी मैचों को मिलाकर देखा जाए तो उन्होंने 4 मुकाबले खेलते हुए 122.83 के स्ट्राइक रेट से 113 रन बनाए हैं। तो दोस्तों इंडियन वुमेन्स की इन 3 बल्लेबाजों को हम की प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल करना चाहेंगे। अब जरा गेंदबाजों पर नजर डालते हैं कि कौन से गेंदबाज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ सकते हैं और अभी तक के मैचों में जो अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। तो दोस्तों गेंदबाजों में हमने रेणुका सिंह को शामिल किया है, जिन्होंने 9 विकेट चटकाए हैं 4 मुकाबले खेलते हुए और इस दौरान उनका एवरेज रहा है 8.78 का। इनके बाद नाम आता है स्नेहा राणा का, जिन्होंने 5 विकेट झटके हैं 3 मुकाबलों में 9.80 के एवरेज से। तो दोस्तों ये वो 5 खिलाड़ी हैं इंडिया वुमेन्स टीम के जो कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं, अच्छी फॉर्म में अभी तक नजर आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया पर भारी भी पड़ सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम को हल्के में लेना गलत होगा दोस्तों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की जो टीम है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उनके खिलाड़ी हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते आए हैं अभी तक। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम की प्लेइंग 11 क्या कुछ हो सकती है इंडिया वुमेन्स के खिलाफ वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में शामिल है एलिसा हेली, बेथ मुनी, मैग लेनिंग, ताहिला मैग्रेथ, रेचल हेंस, एशले गार्टनर, ग्रेस हैरिस, जेस जॉनसन, एलेना किंग, मेगन स्कर्ट और डार्सी ब्राउन। तो दोस्तों ये वो 11 खिलाड़ी होंगी ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम की जो कि इंडिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में मैदान पर उतरेंगी। अब की प्लेयर्स पर अगर नजर डाली जाए तो यहाँ पर की प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे पहले नाम हम शामिल करना चाहेंगे ताहिल मैग्रेथ का, जो कि अच्छे रन बना सकती हैं अपनी टीम के लिए, अच्छे मुकाबले खेल सकती हैं। बता दें कि उन्होंने 4 मुकाबलों में अभी तक 3 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें उन्होंने 126 रन स्कोर किए हैं 153.66 के स्ट्राइक रेट से। अगली जो बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया की जो अच्छे रन बना सकती हैं इंडिया के खिलाफ, वो है बेथ मुनी, जिन्होंने 4 मुकाबले अभी तक खेले हैं और टोटल रन बनाए हैं 118, वो भी 126.88 के स्ट्राइक रेट से।
तो दोस्तों आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के गेंदबाजों के नाम। तो दोस्तों गेंदबाजों की लिस्ट में हमने शामिल किया है ताहिला माइग्रेथ को, जिन्होंने 4 मुकाबले खेलते हुए 8 विकेट अपने नाम किए हैं। वेल आपको बता दें ताहिला माइग्रेथ एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो कि बैट से रन बनाने में तो माहिर हैं ही, साथ ही गेंदबाजी से विकेट झटकने में भी बहुत माहिर हैं। इनके बाद दोस्तों मेगन स्कॉट को हम शामिल करना चाहेंगे, जिन्होंने 4 मुकाबले खेलते हुए 6 विकेट झटके हैं, वो भी 13.50 के एवरेज से। अगली और जो आखिरी गेंदबाज यहां हम शामिल करना चाहेंगे उनका नाम है जेस जेनिसन, जिन्होंने 4 मुकाबले खेलते हुए 6 विकेट झटके हैं दोस्तों, वो भी 16 के एवरेज से। तो दोस्तों पिच का हाल हमने आपको बता दिया, यहां पर इंडिया वुमेन्स की प्लेइंग 11 की प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया वुमेन की प्लेयर्स और प्लेइंग 11 सभी के बारे में हमने आपको आज के हमारे प्री मैच एनालिसिस में बता दिया है। तो अब जो बात आती है वो ये है कि ये फाइनल मुकाबला जो है वो कौन जीतेगा, कौन ये ट्रॉफी लेकर जाएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही टीम्स बहुत स्ट्रांग हैं और 50-50 चांसेस हैं कि इंडिया भी ये मुकाबला जीत सकती है, तो ऑस्ट्रेलिया भी इस मुकाबले में अपना दमखम दिखा सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने पहला मुकाबला इंडिया के खिलाफ जीता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंडिया के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो सेमीफाइनल भी क्लियर करके यहाँ तक पहुँची हैं, तो वो इस मुकाबले को जीत सकती हैं। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन ये ट्रॉफी लेकर जाएगा अपने घर, ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम या फिर इंडियन वुमेन्स टीम, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। अब तक लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।